गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज दिन कौन सा है रीता? आज फ्राइडे है। हाँ, आज शुक्रवार है और अभी नाश्ता हो गया है सबका। आज नाश्ते में कुछ ज्यादा हेवी नहीं बना था, बस इसे चाय और थोड़ी सी लैया फ्राई करी थी, वही खाया था क्योंकि रोज रोज कुछ ना कुछ खा ही रहे, तो सबने कहा चलो आज कुछ हल्का खा लेते हैं। और अभी बनने जा रही है चिकन बिरयानी। आज मैं आ गई हूँ किचन में, तो आज हम लोग बनाएंगे चिकन बिरयानी। तो रीता आ गई, रीता वेज वालों का वेज बना देगी, उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी चिकन बिरयानी। तो रेसिपी बहुत दिन हो गया आप लोगों के साथ कोई रेसिपी शेयर किए हुए, तो चलो आज आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करूंगी मैं। एंड कृषि का बर्थडे ब्लॉग, ग्रैंड बर्थडे ब्लॉग आप लोगों ने बहुत पसंद किया, तो थैंक यू सो मच। तो चलिए फिर लग जाते हैं काम पे, दिखाते हैं आपको बिरयानी की रेसिपी। तो आज मैं बनाऊंगी चिकन बिरयानी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पानी रख दिया है बॉयल होने के लिए, उसमें मैं डाल दूंगी नमक। तो नमक तो खूब सारा पड़ता है क्योंकि जो बिरयानी के राइस होते हैं वो अच्छे से नमकीन होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं 4-5 चम्मच, 1 टीस्पून है, इससे मैं भर भर के नमक डाल दे रही हूँ ताकि पानी अच्छे से नमकीन हो जाए। आप चाहे तो टेस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें खड़े मसाले डाल दिए, तो मैंने डाला तेज़पत्ता, काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये सब डाल दिया है। और एक वो आता है ना चक्रफूल, वो भी डालना चाहिए था, मैं भूल गई थी, वो भी डाल दीजिएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ राइस। तो जितना मुझे राइस चाहिए उतना मैं ले रही हूँ, ये बिरयानी राइस है। आप कोई भी ले सकते हो जो राइस आप खाते हो, वैसे बिरयानी राइस से बिरयानी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे अपने फैमिली के हिसाब से ले रही हूँ राइस। तो मैं 3-4 कटोरी लूँगी, मतलब जितना मेरे परिवार में खाने वाले हैं उस हिसाब से। उसके बाद फिर मैंने राइस को अच्छे से 2 बार वॉश कर लिया है, और पानी में जैसे ही बॉयल आ गया उसमें मैं ये राइस ऐड कर दूँगी। और हमें राइस को 80% पकाना है, 20% राइस दम पे पकेगा। तो ये मेरा स्टाइल है बिरयानी बनाने का। सबका अपना अपना स्टाइल होता है, अपना अपना तरीका होता है। तो जो जैसे मैं बनाती हूँ वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस राइस को हम छोड़ देंगे चला के और ढक देंगे, और राइस आराम से पकता रहेगा धीरे धीरे। और बहुत दिनों के बाद गाइस मैं ब्लॉग बना रही हूँ, कृषि के बर्थडे के बाद गेस्ट वगैरह थे, उसके बाद जब सब चले गए उसके बाद बना रही हूँ मैं। आपकी फेवरेट डिश बना रही हूँ। मेरी फेवरेट कब से हो गई वो? वो तो आपकी फेवरेट है। नहीं भैया, मेरी फेवरेट नहीं है वो। आपको बिरयानी नहीं पसंद है? हाँ पसंद है, लेकिन इतनी भी नहीं, मतलब एकदम फेवरेट नहीं है। एकदम फेवरेट नहीं है। अच्छा हाँ। तो आज बनेगी बिरयानी जो कि आपके भैया की फेवरेट है। सही बात तो ये है। हाँ भाई की फेवरेट है, मेरी नहीं है। आपकी फेवरेट तो आपका फेवरेट मटन बन चुका ना? हाँ वो बन चुका है, वो आपके भैया की फेवरेट है। आपको और लकी भी दोनों को बिल्कुल मटन पसंद है। मेरे बेस्टी को भी वही पसंद है। दोनों बकई बार, बकई बकई बास तो नहीं है, बकई बार है। तो बस अभी मैं चॉपिंग कर रही हूँ, प्याज फ्राई करने के लिए। इधर राइस रख दिया है, बॉयल हो रहा है, उधर चिकन भुन गया है। रीता भी आ गई ना, वो वेज बनाएगी, मैं नॉनवेज बना लूँगी। तो आज मैं बहुत दिनों बाद किचन में आई हूँ, बहुत दिनों बाद। एक्चुअली बिरयानी बनाई मुझे बरसों बीत गए। आज आप चॉप कर रही हैं अनियन, तो उसका तो यहाँ पर मैं अनियन फ्राई कर रही हूँ। लेयरिंग के लिए जो अनियन होता है ना, फ्राई अनियन, वही फ्राई कर रही हूँ। तो पहले इसको फ्राई कर लूँगी। और आज मैं बहुत दिनों के बाद बिरयानी बना रही हूँ, इधर बीच में बनता ही नहीं था, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो मैं खाना वगैरह बनाती नहीं थी, रीता ही बनाती है। देखिए फ्रेंड्स कौन काम कर रहा है, क्या आप मेरे व्यूअर्स को चाकू दिखा रही हैं? हाँ मेरा भी बलि चढ़ रहा था वैसे। कोई बात नहीं, बलि तो चढ़ाया जाता है नंद की। फिर खुशबू दीदी रात में आएंगी, कहेंगी गुमनाम है। हाँ ये गाना मैं बहुत गाती थी। कैंडल लेके आएंगी भाभी। नहीं हैलोजन लेकर आएंगे, कैंडल वाला जमाना। फिर कैसे कहेंगी बाहर निकल, बाहर मत निकल, मैं अंदर आ रही हूँ। हाँ भूतों को तो दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप चर ऐसे मेरा दरवाजा खुलेगा। चर बहुत गंदा साउंड कर रहा है ये। सबसे पहले मेरा किट्टू रोएगा। बुआ बुआ कैसे कैसे कहता है किट्टू? बुला देता है बुआ। आंचल जी मैं अपना नाम लिख रही हूँ। वो भी लहसुन से? लहसुन से। वाह भैया गुलाब से लिखते हुए देखा है पहली बार, लहसुन से देखा। तो मैं नाम ही लिख रहा था अपना, अब खुद से लिख ले रहा। ये लहसुनी पालक है। किसको खाना है अभी? देखना सब काट के बना देंगे भाभी बिरयानी मेरे नाम की। लो अभी मैं जा रही हूँ अपने बिरयानी के राइस निकालने, वरना ज्यादा पक जाएगा। ओके बेबी। हाय हाय। तो अभी मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि चावल 80% कुक हो गया है। तो बस अब मैं इसे पानी से छान लूँगी तुरंत ही, जैसे ही हल्का सा दरदरा रहे तुरंत छान लेना चाहिए पानी से, नहीं तो फिर गल जाता है राइस। वैसे भी हम इसे जब निकालेंगे पानी से तो भी ये थोड़ा सा तो कुक हो ही जाता है, गर्म रहता है।
तो यहाँ पर चावल मेरे कुक हो गए हैं और यहाँ पर रायता भी बन रहा है, तो आज मैं मिक्स रायता बना रही हूँ। इसमें मैंने प्याज टमाटर, खीरा तो नहीं था क्योंकि अभी ठंड है ना, तो खीरा अच्छा भी नहीं है हेल्थ के लिए, तो मैंने यहाँ पे प्याज टमाटर डाल दिया है। और बस इसमें बाकी भाई जैसे सारे रायते बनते वैसे ये भी बनेगा, तो इसमें मैं डाल दूँगी भुना जीरा का पाउडर है ये, वो डाल दिया है मैंने इसमें। भुना जीरा है इसमें, लाल मिर्च है, काली मिर्च है, ये सब मिक्स करके मैं पाउडर बनाती हूँ ना, वही है, तो वो डाल दूँगी मैं इसमें। और उसके बाद फिर इसमें काला नमक जाएगा, और अगर आपको तीखा पसंद है तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे लाल मिर्च भी डाली क्योंकि मेरे यहाँ सबको तीखा पसंद है। आप हरी मिर्च भी डाल सकते हो, मतलब अपने हिसाब से जैसा आपका मतलब आपके घर का टेस्ट हो, जैसे लोग खाते हो। तो यहाँ पे मैंने फिर इसके बाद काला नमक डाल दिया है, और काला नमक के बिना तो रायता अधूरा होता है, तो उस काला नमक डाल दिया, मिक्स कर लेंगे और हमारा रायता बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर कृषिप के लिए गिफ्ट आया है, एक्चुअली उसका बर्थडे गिफ्ट है, मेरे हस्बैंड की फ्रेंड है, उन्होंने भेजा है गुजरात से ये गिफ्ट उसका। तो इसमें बुक्स हैं जिसमें सारे एनिमल्स के नेम हैं, फ्रूट्स के और वेजीज के, ये सारी बुक्स हैं। बहुत ही अच्छा गिफ्ट भेजा है नेहा, थैंक यू सो मच। तो बस वही ओपन करके हम लोग देख रहे हैं। तो बच्चों को एजुकेशनल टॉय देना चाहिए क्योंकि धीरे धीरे ही सीखते हैं बच्चे। तो ये देखिए इसमें बहुत सारी बुक्स होती हैं और बहुत अच्छा होता है, व्हीकल्स के भी नेम हैं, कलर्स हैं। तो खैर यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ बिरयानी के लिए चिकन, तो उसके लिए मैंने लिया है ऑयल, मैं मस्टर्ड ऑयल में हमेशा बनाती हूँ, तो मस्टर्ड ऑयल में मैंने थोड़े से खड़े मसाले डाल दिए हैं, वही काली मिर्च, जीरा, लौंग ये सब। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन ढेर सारा, अदरक और हरी मिर्च, ये मैंने चॉपर में चला लिया था, आप चाहे तो पेस्ट बना सकते हो, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और मैं बिरयानी में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती हूँ, तो बस इसके बाद मैंने यहाँ पे 1.5 किलो चिकन लिया है, मतलब अपने फैमिली के हिसाब से 5-6 लोगों की बिरयानी बना रही हूँ मैं, तो यहाँ पे मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैं यहाँ पे ये कम स्पाइसी वाली बिरयानी बना रही हूँ, जो ज़्यादा स्पाइसी बनती है उसकी भी रेसिपी है मेरे चैनल पे, आप चाहे तो देख सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है एवरेस्ट का बिरयानी पाउडर, बिरयानी मसाला जो आता है वो डाला है मैंने इसमें, तो आप जो जिस ब्रांड का यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। तो और इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ बिरयानी मसाला डालूंगी मैं इसमें। तो बस यहाँ पे मैंने बिरयानी मसाला ज़्यादा सा डाला है, लगभग मैं इसमें 50 ग्राम डाल रही हूँ, लगभग बता रही हूँ, 50 ग्राम से ज़्यादा भी हो सकता है, मैंने नापा नहीं था। तो उसके बाद मैंने चिकन को अच्छे से एक सीटी लगा के पका लिया था, अभी चिकन पक गया है। तो उसके बाद अभी मैं कर रही हूँ लेयरिंग, क्योंकि बहुत बड़ा हो जा रहा था ब्लॉग इसलिए मैं मतलब स्किप करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले चावल डाला, उसके ऊपर मैंने एक लेयर चिकन की डाली, इसके ऊपर जो हमने अनियन फ्राई किए थे वो डाल देंगे। उसके बाद फिर मतलब अनियन जितना आपको पसंद हो ज़्यादा उस हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे मेरे पास पुदीना रखा है सूखा, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, धनिया नहीं था, नहीं तो धनिया भी ऐड कर देती, और अब हरा पुदीना हो तो आप हरा पुदीना भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा केवड़ा जल, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, मार्केट जैसा टेस्ट आता है। उसके बाद फिर से मैंने चिकन रखा उसके ऊपर, फिर से मैंने चावल की लेयरिंग कर दी, और फिर अगेन वैसे ही होगा। तो जितना आपका चावल और चिकन होगा उस हिसाब से लेयरिंग आप करते जाइए। उसके बाद ऊपर से मैंने इसमें अनियन फ्राई डाल दिए हैं, अभी लास्ट में मैं सारे डाल दूंगी क्योंकि बचा के क्या ही करूंगी। और हाँ, मैंने ना इस बार कलर का यूज़ नहीं किया है, इस बार हर बार मैं इसमें कलर भी डालती हूँ, फूड कलर। इस बार मैं इसमें केसर डाली हूँ, मैंने गर्म दूध में भिगा के रखा है केसर, तो वो डाल दूंगी, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है पुदीना, फिर से अगेन वैसे ही लेयरिंग हुई जैसे पहले किया था, ढेर सारा पुदीना डाल दिया है। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी केवड़ा जल, और उसके बाद फिर सबसे लास्ट में इसमें देसी घी भी ऐड कर देंगे, जिससे कि चावल खिले खिले बनेंगे और बहुत अच्छे बनती है बिरयानी। इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करना, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने केसर में दूध में भिगा के रखा था वो डाल दिया, आपके पास फूड कलर तो वो भी डाल दीजिए, मेरे पास ख़त्म हो गया था, उससे कलर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैं देसी घी पिघला के रखा था मैंने, वो भी मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ, और बस हमारी लेयरिंग कंप्लीट हो गई है। और इसके बाद बस मैं इसे ढक दूंगी, और मैं हमेशा एल्युमिनियम फॉइल लगा देती हूँ, आज मैं भूल गई थी, बहुत दिनों बाद बना रही थी ना, तो मैंने सिर्फ ढक्कन ही लगा दिया, और ढक्कन पे फिर मैंने हेवी सा वेट रख दिया, और मतलब मैंने एक भगोने में पानी करके उसके ऊपर रख दिया, और नीचे से तवे पे रखा है ताकि नीचे से जले ना, और बिरयानी को 20 मिनट तक मैंने दम पे बिठा दिया है। और जब तक बिरयानी दम पे बैठी है तब तक हम लोग यहाँ पर सब लोग बच्चा पार्टी बैठ के टीवी देख रहे हैं, यहाँ पे रवि भैया हैं, खुशबू दी हैं, प्रियंका दी हैं, मैं हूँ, हम सब बैठ के आराम से टीवी देख रहे थे, और बिरयानी दम पे है अभी। तो 20 मिनट मीडियम फ्लेम पर मैंने दम पे बिठाया है, 20 मिनट बाद बिरयानी हमारी बन के रेडी हो जाएगी। तो अभी 20 मिनट हो गए हैं एंड हमारी बिरयानी बन के रेडी हो गई है, तो अभी मैं चल रही हूँ उसको मिक्स करूँगी। और कमेंट करके बताना किस किस को बिरयानी पसंद है, कौन कौन बिरयानी लवर है।
तो मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को तो मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जिस दिन बिरयानी बना दो इतने खुश हो जाते हैं। और ये देखिए कितनी खिली खिली बिरयानी बनी है, बिल्कुल एकदम देखने में ही लग रही है कि हाँ बहुत अच्छी बनी है, सच में बहुत अच्छी बनी थी गाइस। इनको भी बहुत पसंद आई थी, हम लोगों को भी बहुत पसंद आई थी, और काफ़ी दिनों बाद बनाया था मैंने, बट अच्छी बनी थी। तो आप लोग भी ट्राई करना एक बार मेरी ये रेसिपी। जो लोग वेजिटेरियन हैं, जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, उनको मैं उनके लिए मैंने पनीर बिरयानी की रेसिपी भी कई बार शेयर करी है, तो वो पनीर बिरयानी ट्राई कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैं बिरयानी अच्छे से मिक्स कर दूँगी, इसके बाद हम मैं सबको खाने के लिए सर्व कर दूँगी। तो आज के खाने में चिकन बिरयानी और उसके साथ मिक्स रायता है, तो बस यही है आज का हमारा लंच। तो ये मैंने हाँ लंच में ही बनाया था। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। तो अभी यहाँ पर हम लोग का खाना वगैरह हो गया है और हम लोग बैठ के बातें बातें कर रहे हैं। मैं हूँ, चाची हैं, खुशबू दी हैं, प्रियंका दी हैं, सब लोग हैं, सब लोग बैठ के बातें बातें कर रहे हैं। और कृषि भी हैं, ये देखिए इनकी मस्ती चल रही है। और अभी सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो भी ये चाहता है कि इसको छोड़ दो, ये बाहर ऐसे नीचे चलता रहे, बट वही है कि बचाना पड़ता है बच्चों को सर्दी से। गुड मॉर्निंग गाइस, तो हो गई है सुबह और यहाँ पे बन रही है सुबह की चाय, अदरक वाली, लेकिन मैं नहीं पीती हूँ क्योंकि मुझे तो मना है ना। मैं हर बार आप लोग को बताती हूँ क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है ना ठंड में ऐसे चाय छूट जाए किसी की। तो खैर अभी मैंने नहा लिया है और यहाँ पे मैं छत पे आ गई हूँ कपड़े डालने के लिए। अभी तक तो मैं गर्मियों में स्टैंड पे डाल देती थी बालकनी में, बट अभी क्या है ना सर्दियाँ आ गई तो कपड़े सूखते नहीं है, तो मैं छत पे आ जाती हूँ डालने के लिए। और यहाँ पे कृषभ का बहुत सारा स्वेटर वगैरह निकला था, तो वो सब भी मैंने धुला है। मेरे कपड़े तो बस एक ही हैं, उसके बहुत सारे निकलते हैं क्योंकि बच्चों के कपड़े तो आपको पता ही है कितने। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी सुबह हो गई, मैंने नहा लिया है और मैं छत पे आई थी बालकनी के कपड़े डालने के लिए। कपड़े धुले थे मैंने, तो पहले तो मैं नीचे बालकनी में स्टैंड पे डाल देती थी, बट अभी क्या है ना जब सर्दी आ गई तो बालकनी में धूप आती है तो सूखते नहीं कपड़े, तो मैं छत पे ही डाल देती हूँ। तो बस वही डालने आई थी। कृषभ के कपड़े तो बहुत ज़्यादा ही निकलते हैं, आपको पता ही होगा अगर आपके बच्चे होंगे तो बच्चों के कपड़े कितने निकलते हैं रोज ही निकलता है, तो बस उसके कपड़े धुले हैं। मेरे तो एक ही तुझे पहना था, तो बस वही कपड़े धुल के डाल दिया है और चल रही हूँ नीचे, नाश्ता बनाऊँगी मैं। और मैं वॉशिंग मशीन में नहीं धुलती हूँ कपड़े, क्योंकि वॉशिंग मशीन में कपड़े धुले हुए मतलब बच्चों के कपड़े मुझे पसंद नहीं आते। किसी के कपड़े एक दो बार मैंने धुला था तो मुझे उतना ज़्यादा मतलब नहीं समझ में आया, इसलिए मैं उसके कपड़े हमेशा हाथ से धुलती हूँ। एंड मेरे मोहल्ले वाले सब मुझे देख रहे हैं मैं फ़ोन में क्या बात कर, खैर सबको पता है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं कुछ नाश्ता वास्ता। तो ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ पास्ता, यहाँ पे मैंने रख दिया है बॉयल होने के लिए। तो मैंने कहा चलो आज ब्रेकफास्ट में पास्ता ही बना लेते हैं क्योंकि सर्दियों में अच्छा लगता है ना ऐसे कुछ चटपटा सा खाने के लिए। और मैं इंडियन स्टाइल में बनाऊंगी, लेकिन रेसिपी आज नहीं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बिरयानी की रेसिपी शेयर करी। तो हमारा पास्ता बन के यहाँ पर रेडी हो गया है, तो आज का ब्रेकफास्ट पास्ता है। तो चलिए ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और ऐड कर दूँगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो मिलती हूँ आप लोगों से मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। और अगर आपको पास्ता की रेसिपी चाहिए मेरे स्टाइल में तो कमेंट करना, मैं ज़रूर बताऊँगी। और यहाँ पर मैं उसमें चीज़ भी ऐड कर दे रही हूँ, बहुत ही अच्छा चीज़ ही पास्ता बना था। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, लाइक एंड सब्सक्राइब।